वेलकम बैक द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2019 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप लोग 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास है, यानी कि 10th क्लास पास हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरी देखेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है 2019 में डिफेंस जॉब करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बम्पर भर्ती 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको दो तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी, पहली है कुक की और दूसरी है स्टूवर्ड की। दोनों पोस्टों के बारे में अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्म फीस की बात करें तो बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निशुल्क घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं। 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी अगर आपको सिलेक्शन पाना है, और पूरे भारत देश से किसी भी राज्य से आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां पर आप लोग कमेंट करते हैं वहां भी मैं लिंक को दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये जॉब आती है एज नाविक, और डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि DB जिसको बोलते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, और यहाँ पे 10th पास एंट्री होने वाली है 1/2020 बैच के लिए। और यहाँ पे कहा गया कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 8 नवंबर 2019, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दें कि 10th क्लास पास मांगा गया, आपके मिनिमम जो है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोग जो है तो आवेदन कर सकते हैं। जॉब रिक्रूटमेंट की बात करें तो दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो हो गई कुक की और दूसरी है स्टेवर्ड की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन पोस्टों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज उम्र 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे की बात करते हैं यानी वेतन की, तो आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पे आपको 21,700 रुपए स्टार्टिंग में लेवल 3 के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन के चांसेस भी हैं, तो आप लोग प्रधान अधिकारी की पोस्ट पर डायरेक्ट प्रमोशन ले सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में पे स्केल है 47,600 रुपए रखा गया, यानी कि वेतन। इसके अलावा अदर बेनिफिट है, जहाँ पर आपको राशन, क्लोथिंग और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है फैमिली के लिए भी और खुद के लिए भी, और यहाँ पे गवर्नमेंट एकमेंडेशन मिलता है सेल्फ और फैमिली के लिए, और यहाँ पे नॉमिनल लाइसेंस फी होता है। और यहाँ पे बता दें कि 45 डेज की जो आपका अर्न लीव होता है, और 8 डेज की यहाँ पे कैजुअल लीव भी रखी जाती है। बाकी आपका ट्रेवल यानी आने जाने का खर्चा से लेकर जितना भी खर्चा है आपको मिलता है। पेंशन स्कीम है यहाँ पे आपका रिटायरमेंट के बाद पेंशन, और यहाँ पे कैंटीन और वेरियस लोन फैसिलिटी यानी कि खाने पीने का और कई तरह की लोन भी आपको मिलती है। साथ में यहाँ पे ECHS मेडिकल फैसिलिटी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। कैसे आवेदन करना है, तो आप लोग 30 अक्टूबर 2019 से लेकर 8 नवंबर 2019 तक ज्वाइन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई, आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है आपका जोन, एग्जामिनेशन सेंटर और यहाँ पे स्टेट बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, कोलकाता का एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, और इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं। ऐसे ही करके यहाँ पे सभी राज्यों की सूची रखी गई, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से आवेदन करना है और कहाँ से आपको एग्जाम देने जाना होगा। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल और मेडिकल के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट, इसको कंप्लीट करते ही मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।